नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अनोखी और मज़ेदार से सब्जी शेयर करने जा रही हूँ। देखो, ये दो तरीके की जो मतलब वड़ी है और बैंगन है, ये उड़द दाल की वड़ी की आपने सब्जी खाई होगी और बैंगन को भी कई तरह से बनाकर खाया होगा, पर इन दोनों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है, बैंगन उड़द दाल वड़ी की सब्जी। देखो, उसके लिए मैंने 3 से 4 बैंगन को इस तरह से अच्छे से पानी से धोकर लंबे टुकड़ों में मोटे टुकड़ों में काट लिया है और पानी में रखा है ताकि ये काले ना पड़े, और 4 से 5 मैंने उड़द दाल की वड़ी ले ली है। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया, इसके अंदर आधी चम्मच काली सरसों यानी कि राई, आधी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्ची और 2 सूखे लाल मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ छील कर डाल दे और 1/4 कप पानी डालकर इसे ढककर आपको पीस लेना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसे पीस लिया है। अब मैंने गैस को ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 ग्लास भरकर पानी और इस पानी को हम गर्म होने देंगे। दूसरी तरफ मैंने फिर से गैस को ऑन करके एक कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने डाल दिया 2 से 3 चम्मच तेल। जैसे ये तेल गर्म हो जाए ना, तो ये जो हमने 5 से 6 उड़द दाल की वड़ी ली है ना, इसे हमें भूनना है। इसका ये रंग बदल जाए, एकदम कलर चेंज होता है, तब तक इसे हमें भूनना है। पर ध्यान रखना है, इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल सकती है। देखिए, कुछ इस तरह से हो जाए ना, तो इसे तुरंत ही तेल में से निकाल ले और ये जो हमने पानी गर्म करने रखा था ना, इसके अंदर तुरंत ही आपको ये डाल देनी है। प्लेट में मत निकालना, तुरंत ही इसके अंदर डालकर गर्म गर्म पानी में से मिला लीजिए। अब इसे ढककर, ध्यान से सुनना, इसे ढककर गैस को बंद कर लेना है और इसे ऐसे ही रख देना है, गैस को बंद कर लेना। उसके बाद ये जो बचा हुआ तेल है, इसके अंदर 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच इसके अंदर मैंने राई डाल दी है, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और जो हमने ये सबसे पहले पीस के रखा था ना सभी चीज़ों को, वो इसके अंदर डालकर 1 मिनट तक इन सभी चीज़ों को आपको भूनना है। उसके बाद जो हमने ये बैंगन को काट के रखा था ना, वो डाल दीजिए। अब देखो, बैंगन को काटते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके ज़्यादा छोटे टुकड़े मत करें और पतले भी नहीं, थोड़े से मोटे रखना, और इसे काटने के बाद इसे पानी में रखना ताकि ये काले ना पड़े। और अब इसके अंदर डालकर आपको इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। जितना आप अच्छे से भूनेंगे ना, उतनी आपकी स्वाद वाली सब्जी बनेगी। देखिए, मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया। अब आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे हम और 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं कितने अभी से ही बढ़िया लग रहे हैं, जो बैंगन नहीं खाते ना, वो भी आसानी से खा लेंगे। इस तरह से भूनने के बाद मैंने अब इसके अंदर डाल दिए 2 से 3 कटे हुए टमाटर और अब इसे और अच्छे से हम 1 मिनट के लिए इस तरह से भूनेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 कप ही पानी डाला है, ज़्यादा पानी मत डालना, 1 कप पानी काफ़ी है। अब इसे ढककर धीमी आँच पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो लगभग यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए और धीमी आंच पर ही पकाना। देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। देखिए, कुछ इस तरह से हो जाए ना, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार और इसे हम फिर से अच्छे से मिला लेंगे। और अब देखिए, ये जो हमने ढककर रखा था ना गैस को बंद करके ये वड़ी को, अब ये कढ़ाई को पूरा हमें उठा लेना है और पानी के साथ ही वड़ी इसके अंदर हमें डाल देनी है। तभी मैंने कहा था कि उस वक्त सिर्फ 1 कप ही पानी डाले, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वाला पानी भी हम डालने वाले हैं। अच्छे से मिला लीजिए और ढककर धीमी आंच पर लगभग 6 से 7 मिनट के लिए और पका लें। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना और बीच बीच में चेक करते रहना। तो यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो गए हैं, वड़ी बैंगन की भाजी यानी कि सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ लें या चावल के साथ, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और मज़ेदार लगेगी खाने। मतलब आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो आपको भूलेगा नहीं कभी भी, ये इतनी स्वाद वाली सब्जी है। तो ट्राई करना और यहाँ तक आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।